4 जून इंडिया में इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था और 4 जून को ही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 का रिजल्ट जारी किया। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहला जो ध्यान बच्चों का जाता है या और सबका जाता है कि टॉपर कौन है। तो जब कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद टॉपर की लिस्ट ढूंढी गई और लिस्ट जारी हुई ऐसे, तो उसमें पाया गया कि 67 लोगों ने टॉप किया और जो कि ना अभी तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। एनटीए की छोड़ दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कि 67 लोग, मतलब 67 स्टूडेंट्स टॉपर की रैंक में हो, टॉपर की लिस्ट में हो। पहली बार हुआ। और जब ये हुआ उसी समय लोगों के मन में, बच्चों के मन में ये उठा कि कुछ तो घपला हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हुआ कैसे। अब इसको कोई अगर ये कह दे कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, हाँ मैं भी कहूँगा कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा इवेंट है जो कि पॉसिबल बहुत कम है। उसकी पॉसिबिलिटी जो है ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो सकता है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए, ये वैसे ही है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। और दूसरा दूसरा ये कि छह टॉपर एक ही सेंटर से थे, एक ही सेंटर से जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ से 6 टॉपर थे और उनका जो रोल नंबर का सीरीज था वो बिल्कुल एक ही था, ऑब्वियस सी बात है। सो वहाँ पर भी एक घपले की बू आती है, एक फ्रॉड किया, स्कैम की, या पेपर लीक की बू आती है। पेपर लीक होना तो आम बात है आज के समय में, डिजिटल एग्जामिनेशन हो, मीन्स ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि उसमें पेपर लीक होना ही है। एक एग्जाम अभी तक शायद यूपीएससी बचा है जिसमें एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं हो रहा है, हो जाए तो पता नहीं। सो पहला जो हिसाब किताब बना टॉपर का, ये बहुत गड़बड़ हुआ। रीज़न क्या है कि 2023 में 2 टॉपर थे, 2022 में 4 टॉपर थे, इसके पहले भी ऐसे एक या दो ही रहते थे, लेकिन 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चलो मान लिया कि पा सकते हैं। सो दूसरा जो एक ही सेंटर से 6 लोग, इसको भी मान लो कि पा सकते हैं बच्चे। तीसरा तीसरा जो सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ आई कि 2 बच्चों का मार्क्स, स्पेशली 2 बच्चों का केवल 719 एंड 718 है, मतलब 719 और 718, ये कैसे पॉसिबल है भाई। एनटीए तुम ही बता दो, नहीं रिस्पेक्ट के साथ आप ही बता दीजिए कैसे पॉसिबल है। उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इन बच्चों को टाइम कम मिला था, टाइम लॉस हुआ था, उसकी वजह से इनको 1 नंबर जो है ग्रेस में मिला। अरे भाई ये बता दो कि ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया आपने पहले से फिक्स किया था क्या? और जब नहीं फिक्स था, नोटिफिकेशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि टाइम लॉस होगा, डिले होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा कि टॉपर ही बना दिया जाएगा, तो आपने ग्रेस मार्क्स दिया कैसे? बेसिस क्या था, क्यों, रीज़न क्यों है ना? ऐसे तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ कि जिनको अगर गोला भरने के लिए 5 मिनट मिल जाता तो हो सकता था उनका स्कोर इम्प्रूव हो जाता, हो सकता है सिलेक्शन हो जाता किसी न किसी लेवल पे। सो ऐसे कैसे 23-24 लाख बच्चों में से आपने 2 बच्चों को चुना 719 और 718 देने के लिए? ये तो इम्पॉसिबल है नीट के एग्जाम में। इसके पहले वाले तो क्वेश्चन को आप पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि पॉसिबल है, सिलेबस इतनी सा है बिल्कुल, और सिलेबस कम करते जा रहे हैं आप डे बाई डे, 10 पन्ने का सिलेबस ला देंगे, उसके बाद बच्चों को कहेंगे कि भाई इसी में से एग्जाम में आना है, लिखो, बच्चा लाएगा ही 720 में 720, यूपी का यूपीएससी का एग्जाम देख लो, ला के दिखाए किसी के किसी सॉरी किसी में हिम्मत है, कहते हैं ना किसी के बाप में दम है तो बताओ, नहीं है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप सबको पता है। सीबीएसई एक टाइम था, एग्जाम कंडक्ट करता था, प्री लेता था और मेंस लेता था, रिटेन, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती थी, वो अपने स्टेट का एग्जाम निकाल के मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे। सीबीएसई का एग्जाम निकालना एक बहुत ही टेढ़ी खीर थी, लेकिन ये एग्जाम देखो 720 में 720,
इस बार तो ऐसा सीन है कि 650 बच्चा नंबर पाने वाला भी सोच रहा है कि पता नहीं MBBS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचिए क्या हालत है। और इस स्कैम के बाद जो चौथा स्कैम हुआ ग्रेस मार्क्स का, तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बना और कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई किया क्यों। एक्सप्लेन तो कर दिए उन्होंने, अपना एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि लॉस ऑफ टाइम। तो फिर भाई 24 लाख बच्चों में से सबसे पूछ लो लॉस ऑफ टाइम, दो बच्चों का क्यों? दो बच्चे आपके चाचा भतीजे हैं क्या, या आपके मामा के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, घर के हैं, बेटे हैं, क्या हैं? हाउ एंड वाई? एंड चौथा, ऐसा किसी एग्जाम में मैंने नहीं सुना है कि एग्जाम रिजल्ट प्रीपोन्ड हो जाए, एग्जाम प्रीपोन्ड हो जाए। पोस्टपोन ही होता है हर चीज, रिजल्ट तो और पोस्टपोन होता है। UPSC अपना रिजल्ट पोस्टपोन कर देता है, बच्चे वेट करते रहते हैं कि हफ्ते में आना, इस हफ्ते में आना, फिर पता चलता है कि इस हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में आएगा। इनको बहुत जल्दी थी, और इन्होंने ये बोला भी है, अपने को डिफेंड किया है इन्होंने कि हमने रिजल्ट को जल्दी क्यों नहीं निकाला है। क्यों? इनको प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना था, बाकी जो एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है, उनको देखते हुए इन्होंने रिजल्ट को जल्दी निकाला। लेकिन जब बू आ गई ना स्कैम की, फ्रॉड की, तब उसके बाद दिमाग दूसरे तरीके से चलता है। अभी दिमाग दूसरे तरीके से जब चलना शुरू हुआ, तब ये लगा कि भाई इन्होंने रिजल्ट जो है ना 14 जून से 10 दिन पहले क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि लोग तो बिजी होंगे नई सरकार बनाने में, गुणगान करने में, सब ढोल मजीरा चल रहा होगा, बज रहा होगा। उसमें जो है ना नीट के बच्चे, जो 23 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो बढ़िया से पढ़ाई करके एग्जाम दिए हैं, उनकी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार जो टॉप क्लास के रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, रवीश कुमार से लेके, ध्रुव राठी से लेके, सब लोगों ने, इवन प्रियंका गांधी और केजरीवाल, सब लोगों ने मतलब इस चीज़ को ना एक मुद्दा बनाया है। इवन बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जो एडटेक कंपनी है, वो बोली है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इस चीज़ को लेके, दे विल फाइल द पिटीशन। इट्स गुड स्टेप एक्चुअली। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि ये बच्चों के फ्यूचर को बनाए, ना कि कुछ बच्चों के चक्कर में, या कुछ जो कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना ऐसे कुछ लोग, उनके चक्कर में अगर ये लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किलात है कंट्री के लिए, बच्चों के लिए। दे आर प्लेइंग गेम विद द स्टूडेंट्स लाइफ। जब बच्चा कोटा में सुसाइड करता है, या बच्चा मेडिकल कॉलेज में सुसाइड करता है, और जगह करता है, कोई भी डिप्रेशन में जाता है, तब तो ये लोग कोचिंग इंडस्ट्री से लेके, स्कूल से लेके, पेरेंट्स से लेके, सबको कोसते रहते हैं। बट वॉट अबाउट देम? वॉट अबाउट देम? अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में इतने प्रेशर में आके 4 मेंबर की कमेटी बना तो दी है, और उनके हेड जो हैं, जो हेड करेगा कमेटी को, पैनल को जो हेड करेगा, वो ये फार्मर UPSC के चेयरमैन हैं। चलो अच्छी बात है, UPSC को कहीं से तो इन्वॉल्व किया इन्होंने। एक सजेशन है इनको कि UPSC से ही सीख लें कि कट ऑफ को कैसे डाउन की जाती है, किस लेवल पे पेपर बनाया जाता है। और जो वो इशू हुआ है ग्रेस मार्क्स देने का, या बच्चों को जो बहुत सारे बच्चों को दिया गया है एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बेसिस पे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पढ़ाते समय ही, या ऐसे ही, कि मतलब ऐसा और भी जगह है NCERT में, कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने रेक्टिफाई किया है, कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं किया अभी भी। किस तरीके से आप इतने लोग मिल के NCERT बुक लिखते हो, और आपको ये नहीं पता चलता कि आप गलत लिख रहे हो, और गलत है तो उसको रेक्टिफाई बीच में नहीं करते हो, अपडेट नहीं करते इन्फॉर्मेशन को। हाउ कम? टेल मी, टेल अस, टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि ये कैसे हो रहा है। जवाब तो देना होगा, NTA को जवाब देना होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा, और इस नई गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि
कि भाई बच्चों के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं, अब नीट लेवल पे हो रहा है। अभी तक तो आप कास्टिज्म को लेके करते थे कि इस कैटेगरी का बच्चा जो है कम नंबर लेके आया तब भी हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे मैनेज होगी, कैसे अप टू डेट रहेगा, इन्फॉर्मेशन उसको पता नहीं रहेगा, पढ़ाई कम करके जाते हैं। और जो बच्चा ऐसे साइड से या किसी तरीके से आपने सपोर्ट किया, हेल्प की, मुन्ना भाई MBBS की तरह, तो फिर वो कैसे काम करेंगे, वो क्या करेंगे वहाँ जाके, बताइए, वो बेन कार्सन बन जाएंगे? नहीं। सो जवाब तो देना पड़ेगा NTA को कि भाई ये फ्रॉड जो है ये क्यों किया, और फ्रॉड किया तो किसके कहने पे किया। मतलब इतनी मोरालिटी बची है, इतनी सी भी मोरालिटी बची है इनमें, जो एथिकल स्टैंडर्ड होता है, मोरल लेसन ये पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं अपने बच्चों को, मतलब जरा सा भी मोरल लेसन इनमें बचा है? अगर मोरल टर्पिट्यूड थोड़ा सा भी हो तो ये काम ना नहीं करेंगे शायद, ये एटलीस्ट सेंटर्स पे लोग पेपर लीक करवाते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो मैटर अलग है, एजेंसी खुद इन्वॉल्व हो जाए तो ये तो मैटर बहुत बड़े लेवल का है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इन्वॉल्व होना हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर सही तरीके से इस पैनल के रिकमेंडेशन और चीज़ों को नहीं देखती है तो फिर देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। सो आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो, एग्ज़ाम कैंसिल हो, कंडक्ट हो, रिकंडक्ट हो एग्जामिनेशन, या आप केवल ये चाहते हैं कि बस ये रिकमेंडेशन जो मिल जाए ये एक्सप्लेन कर दें, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर दें जिनमें ये चीज़ें हुई हैं? क्या आप चाहते हैं? आप अपना जो ओपिनियन है इस कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं आपकी क्या सोच है इस रिगार्डिंग। धन्यवाद।